मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वज़ीफ़ा अस्सलातो। अगर मुंह में नहीं लगे तो बोलिए सुभान अल्लाह। बगदाद से अजमेर से किछुआछा से देख लेते हैं, हैं कहां कौन ये पावर से देख लेते हैं। बैठे हम और आप यहां हैं, अल्लाह वाले हमें जरूर देख रहे हैं। बगदाद से अजमेर से किछुआछा से देख लेते हैं, हैं कहां कौन ये पावर से देख लेते हैं। अल्लाह के वलियों को तुम मुर्दा गुमान मत करना, वो अपनी कब्र के अंदर से देख लेते हैं, वो अपनी कब्र के अंदर से देख लेते हैं। और जिस रसूल का हम और आपने कलमा पढ़ा है, जिस रसूल से इश्क करते हैं, किसी शायर ने कहा है अंधेरे में अहले दिल उजाला देख लेते हैं। वाह वाह। अंधेरे में अहले दिल उजाला देख लेते हैं, आंखों को बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं, आंखों को बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, वो मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। माशाल्लाह, वो मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जल्दी जल्दी जब तक आप हजरात चाय पी लीजिए, फिर खतीब अहले सुन्नत आपके रूबरू होंगे। हजरात, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर अनिफ से लेकर याद तक एक शायरी सुनाई थी, सुनेंगे आप हजरात, फिर पीर साहब आपके रूबरू। बोलिए सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा। बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे नबी नबूवत आ रहा है। सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है। हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है। खा ने कहा खातमुल नबीईन आ रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल्लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब जा के बाद क्या है? सीन। सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफे महशर आ रहा है। स्वाद ने कहा सादी को अमीन आ रहा है। दुआद ने कहा जईफों का मावा आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गैन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है। फा ने कहा फकीरों का मावा आ रहा है। काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है। काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लहो कलम वाला आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है। हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। ये पुकार उठा यक्ता और अनोखी शान वाला रसूल आ रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। सब मुकम्मल बिलिए तैयार हो गए? अगर बिल्कुल तैयार है तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम नाज़िश इल्म व फन रहबर शरीयत राह तरीकत हजरत अल्लामा शाकिरुल क़ादरी साहब फैज़ी जो उदयपुर की सरजमीन से चलकर हमारे दयारे मोहब्बत में आए हैं। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर बिल्कुल अच्छे अंदाज से। नारे तकबीर, नारे इसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सरजमीन बेड़ा, सरजमीन बेड़ा, बेड़ा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे शौक को इजाबे बयानी दे दे, जज्बे शौक को इजाबे बयानी दे दे, बंद पानी के जखीरे को रवानी दे दे, भूल न जाए कहीं ये वफा के किस्से, आ इस दौर को कोई ताजा कहानी दे दे। अल फातिहा। قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رونق بزم علماء دین ائم مساجد حفاظ قرآن جملہ سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کرے اور جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث أعظم بمني بسر ساما مدد قبل دی مدد کعب ایما مدد قادری یم نارے یا غوث اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک منایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کا جتنا حمد ہم کریں اور جتنی تعریف کریں کم ہے کہ معبود برحق نے ہم سب پر بڑی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں. اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم سب کو دی ہیں. ان ساری نعمتوں کا اگر ہم چرچا کریں بات کریں تو راتیں پوری ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی نعمت کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. معبود برحق نے اس دور میں بھی اور کل کے دور میں بھی اللہ نے ہم سب پر بڑا فضل فرمایا.
कि हम सब पर ऐसा करम अल्लाह का रहा कि हम सबको अल्लाह ने अपने महबूबीन के दीवानों में रखा। उस अल्लाह का जितना शुक्र बजा लाए और जितनी उसकी तारीफ करे कम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे हसीन पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा सयाहे लामका सैयद इंसोजा खातमे पैगंबरा सैयद मुरसला अर्श की जीनत फर्श की शान मकान की आन लामकान की जान सारे इंसानों की शान हबीबे रहमान बल्कि ये कहा जाए सैयद इंस व जान हम सब के सरकार को हमारा और आपका आका बनाया। उस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें बहुत ही कम है कि माबूद बरहक ने हमें जहां तमाम नबियों में उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी के दामन से वाबस्ता होने के लिए नबियों ने ख्वाहिशों का इजहार किया। अल्लाह का जितना शुक्र हम लोग करें उसकी नेमत और उसकी फजल का चर्चा करें कम है कि अल्लाह ने हम सब के पढ़ने के लिए कोई ऐसी वैसी किताब ना दी बल्कि अल्लाह ने हम सब की तिलावत के लिए आखिरी किताब कलाम पाक को अता फरमाया। वो किताब जो सारी किताबों में अफजल व आला शान वाली किताब है और जुबान भी अल्लाह ने हम सबको दी तो ऐसी हसीन जुबान दी है जिस जुबान को अरबी जुबान कहा जाता है। ये जुबान जो हम लोग अपनी बोलियों से बोलते हैं हमारी जुबान नहीं, हमारी जुबान तो वो है जिस जुबान को मुस्तफा ने पसंद किया है और इसी वजह से कहा गया है कि ईमानदार जब तक जमीन पर रहता है अपनी जुबान में गुफ्तगू करता है। वो जुबान क्या है? वो कान है, कलमे की शान है, कलमा जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं ये अरबी जुबान में है तो गोया कि हमारा पूरा पहला कलमा जो है ये अरबी जुबान में है तो अल्लाह इस जुबान के साथ जमीन पर बंदों को रखता है और जब ये बंदा या बंदी अल्लाह की जमीन में जाती है तो अल्लाह इसी जुबान में उसके फरिश्ते उससे कलाम करते हैं और वो फरिश्तों को जवाब भी देता है तो रसूल पाक के करम से अरबी जुबान में जवाब देता है। तो अल्लाह का हम सब जितना शुक्र बजा लाते रहें कि अल्लाह ने चलने के लिए कदम दिया, हाथों के अंदर ताकत दी, जिस्म के अंदर जान दी, आंख के अंदर बीनाई दी, कान के अंदर सुनवाई दी, जुबान के अंदर गोयाई दी, दिमाग के अंदर समझ की ताकत और हसीन एक तमगा और नूर दिया, सीना दिया तो कीने वाला सीना नहीं दिया बल्कि सीना दिया तो इश्के मदीने का सीना दिया है। ऐसा हसीन सीना रब ने अता किया है जिस सीने के अंदर कीना नहीं है, है तो हकीकत में इश्के शाही मदीना मौजूद है। तो अपने रब को हम जितना याद करते रहें दीवानों कम है। और अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक को पैदा की, 18,000 मखलूकात को रब ने बनाया और उन 18,000 मखलूकात में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जिन भी हैं, नबीईन भी हैं, मुरसलीन भी हैं, शुहदा सालेहीन भी हैं, सारे लोग अल्लाह की मखलूकात में हैं और उन्हीं मखलूकात में शैतान और इबलीस भी है, इसको भी अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर पाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रोशन और ताबनाक किया और अल्लाह ने शैतान को कहा कि ऐ शैतान तू आदम को सजदा कर, तो शैतान ने सजदा करने से मना कर दिया, इनकार किया और कहा कि ये तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं, मैं तो आग से पैदा किया गया,
और आग की तासीर यह है कि वो मिट्टी को जला दे। मैं मिट्टी को कभी सजदा ना कर सकता, मना कर दिया। उसने मिट्टी को देखा जिसमें आदम को देखा, मगर हजरत आदम के जिस्म में जो नूर था उस नूर को देख ना सका, ताजीम ना की, रादे बारगाह खुदा हो गया, मर्दूद के करार दे दिया गया। अल्लाह ने कहा जा तू हमेशा पछताएगा, अजाबों में रहेगा। तो कहा मौला मैंने तेरी इतनी इबादत की, इतने सजदे किए, इतना तेरा जिक्र किया, फरिश्तों को मैं पढ़ाता था मौला, तो अब मैं जा रहा हूं तो कम से कम मुझको कुछ ताकत दे दे। तो अल्लाह ने कहा कैसी ताकत तू चाहता है? तो शैतान बोलता है मौला मैं ये ताकत चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो मेरे साथ तेरे नाफरमान बंदे भी जहन्नम में आए, उनको भी मैं जहन्नम में लाऊं, क्योंकि मैंने तेरे हुक्म के खिलाफ काम किया, तो मेरे सजा के लिए तूने जहन्नम और जहन्नम की सजा का इंतखाब कर दिया है। तो मौला कुछ ऐसी ताकत दे। तो अल्लाह ने कहा मैं तुझको ताकत देता हूं, तू क्या चाहता है? तो शैतान ने कहा कि मौला मैं ऐसी ताकत चाहता हूं जिस ताकत के जरिए से मैं तेरे बंदों को बहकाऊं। ऐ शैतान इबलीस तू कहां बहकाएगा? जिस रास्ते पर तेरा बंदा चलेगा उस रास्ते के किनारे बैठकर मैं बहकाता रहूंगा, उनको सिराते मुस्तकीम से हटाता रहूंगा। जब शैतान ने कहा तो खुदा ने कहा ठीक है इबलीस, मैंने तुझको ताकत दे दी। तो हजरत आदम को जब खबर होती है कि अल्लाह ने शैतान को ताकत दी कि वो इब्ने आदम को बहकाएगा, अल्लाह के बंदों को बहकाएगा, तो हजरत आदम ने खुदा से कहा मौला ये शैतान जब बहकाएगा हमारे बेटों को, हमारी औलाद को, तो मेरी वो औलाद कहाँ जाएगी? तो अल्लाह ने कहा जो बहक जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, वो सजा का मुस्तहिक होगा। मौला ये शैतान को तूने ताकत दे दी कि वो बहकाएगा मेरे बेटों और बेटियों को। तो खुदा ने कहा हा हा आदम। तो कहा मौला क्या मैं उस दौर में ना रहूंगा? आदम तू रहेगा, उसके बाद तेरा बेटा नूह आएगा, उसके बाद तेरा बेटा दाऊद की शक्ल में, कभी जुल्किफ्ल की शक्ल में, कभी जकरिया की शक्ल में, कभी यहिया की शक्ल में आते रहेंगे, कभी आएंगे नबी बचाने के लिए इब्राहिम की शक्ल में, इस्माइल की शक्ल में, यूसुफ की शक्ल में, इसहाक की शक्ल में, और ये लोग आते रहेंगे, और उसके बाद में हमारा हबीब भी आएगा दीन की तबलीग के लिए, दीन की दावत के लिए, अपने मिशन की इशाअत के लिए आएगा। ऐ मौला लेकिन ये नबी जो तेरा हबीब आएगा ये तो आखिरी नबी है, ये तो आखिरी रसूल है, इसके बाद में मेरी औलाद को शैतान जब बहकाएगा, क्योंकि तेरा हबीब जमीन से जमीन में तशरीफ ले आएगा, और जब तेरा हबीब जमीन में आ गया तो ये शैतान जब बहकाएगा तो ऐ मौला मेरी औलाद की रहनुमाई कौन करेगा? ये तो शैतान लंबी उम्र मांग करके आ गया है, अलग रूप लेगा, अलग रंग लेगा, अलग ढंग लेगा, अलग हाल होगा, अलग काल होगा। हजरत आदम अर्ज पे अर्ज करते जा रहे हैं, खुदा जवाब पे जवाब देता जा रहा है, ऐ आदम गम क्यों करते हो? मौला गम इस वजह से आ रहा है हमारी औलाद को ये शैतान बहकाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है ऐ आदम गम करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा हबीब जमीन से जमीन में आ जाएगा तो मैं तेरे हबीब अपने हबीब के आने के बाद में तेरे बेटों में कुछ ऐसे अपने बंदों को चुनूंगा कि ये शैतान बहकाएंगे। ये शैतान तो बहकाएगा मगर वो मेरा बंदा तेरा बेटा शैतान के चंगुल से अपने भाइयों को बचाएगा। अल्लाह कहता जा रहा है ऐ आदम गम मत करो, जब कोई नबी ना होगा जमीन पर, कोई रसूल ना होगा जमीन पर, तो मैं औलिया अल्लाह की टीम ऐसी पैदा करूंगा, वलियों की जमात को ऐसी भेजूंगा, औलिया अल्लाह का रूप लेकर के
कोई अबू बकर का रूप लेकर के आएंगे, कोई उमर का रूप लेकर के आएंगे, कोई उस्मान का रूप लेकर के आएंगे, कोई अली मुर्तजा का रूप लेकर के आएंगे, कोई इमाम हसन का रूप लेकर के आएंगे, कोई हुसैन शहीद कर्बला का रूप लेकर के आएंगे, कोई इमाम जाफर का रूप लेकर के आएंगे, कोई इमाम काजिम का रूप लेकर के आएंगे, कोई इमाम बाकर का रूप लेकर के आएंगे, कोई इमाम काजिम का रूप लेकर के आएंगे। मौला ये शैतान तो बहकाने में लगा रहेगा, तो खुदा कहता है ऐ आदम हम मत करो, शैतान तो बहकाएगा मगर तेरा बेटा मेरा बंदा अब्दुल कादिर गौसे आजम जीलानी शैतान के चंगुल से अपने दीवानों को हमेशा हमेशा के लिए बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गोया पता ये चल गया कि शैतान तो अल्लाह के बंदों को बहकाने में लगा है, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बचाने में लगे हैं। शैतान तो बहकाने में लगा है, हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा गरीब नमाज बचाने में लगे हैं। शैतान तो बहकाने में लगा है, निजामुद्दीन औलिया बचाने में लगे हैं। शैतान तो बहकाने में लगा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बचाने में लगे हैं। शैतान तो बहकाने में लगा है, सुल्तानुद्दारिकीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमलानी बचाने में लगे हैं। शैतान तो बहकाने में लगा है, बरकतुल्ला महरवी बचाने में लगे हैं। शैतान बहकाना चाहता है, बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा बचाना चाहते हैं। शैतान बहका रहा है और हमारे और आपके ताजुश शरिया दीवानों को बचा रहे हैं। तो पता ये चला कि ये वली हैं जो शैतान के चंगुल से अल्लाह के बंदों को बचाते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थामो, जैसा कि कलामे पाक में आता है वकूनु मअस्सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ, अगर सच्चों के साथ रहोगे तो आपके जिंदगी के अंदर ऐसा लम्हा पैदा हो जाएगा कि शैतान तो बहकाना चाहेगा मगर अल्लाह वाले उसको बचाना चाहेंगे। और इस ताल्लुक से बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी बातें किताबों में पेश की जाती हैं। आज नमाज की फजीलत पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, कहा जाना चाहिए, जरूरी है, फर्ज है हर ईमानदार मर्दों औरत पर। जो आकिल है बालिग है उस पर नमाज फर्ज है, माफ नहीं है। हर हाल में नमाज पढ़ो, सेहत दी है अल्लाह ने तो नमाज पढ़ो, ताकत दी है खुदा ने तो नमाज पढ़ो, हिम्मत दी है खुदा ने तो नमाज पढ़ो, हाथ पैर जिस्म के अंदर जान दी है खुदा ने तो नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ना चाहिए। यही शैतान अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग हाल को लेकर के अल्लाह के बेशुमार बंदों के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में जब बहकाना चाहा तो बहुत सारे अल्लाह के बंदे बहक गए। यही शैतान एक रूप लेकर के पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला तिंदीने नूरानी महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शेख सैयद अब्दुल कादिर गौसे आजम जीलानी की बारगाह में पहुंचा। रूप क्या है? बादल के रूप में आया, आवाज आती है बादल के अंदर से, ऐ अब्दुल कादिर अब तेरे ऊपर नमाज माफ है। आज अगर किसी इंसान के सामने गैबी ऐसी आवाज आ जाए तो वो इंसान कहेगा हाँ वाकई मेरे ऊपर नमाज माफ हो चुकी होगी। लेकिन वो कोई मामूली नहीं थे, वो आम नहीं थे, वलियों के इमाम थे। गौर करते हैं ये नमाज तो मदीने के सुल्तान हमारे नाना जान पर माफ नहीं, ये नमाज तो हुजूर के सहाबा पे माफ नहीं, ये नमाज तो अहले बैते अतहार पे माफ नहीं, ये नमाज तो इमाम हसन मुस्तफा पर माफ नहीं, ये नमाज तो कर्बला के अंदर पानी बंद कर दिया गया, भूखे और प्यासे हैं मेरे आका हुसैन,
उनके घर वाले तो उन पर भी माफ नहीं, ये नमाज तो औलिया अल्लाह पर माफ नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम सुबहानी कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नादान तुम्हें शैतान लग रहा है, शैतान लईन तुम्हें धोखा देना चाहता है। आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुझको आज तेरे इल्म ने बचा लिया। बर्जस्ता कहते हैं, नादान शैतान अब भी तू मुझको धोखा देना चाहता है, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचाया है, रब की अता ने बचाया है, रब के फजल ने बचाया है। पता ये चला कि शैतान अलग अलग रूप लेकर के आता है और अल्लाह के बंदों को बहकाना चाहता है। बेशुमार ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो उसके जाल में फंस गए और बहक गए, डगमगा गए। कुछ लोगों ने उसकी जाल में फंस करके नमाजों को छोड़ दी, कुछ ने रोजे छोड़ दिए, कुछ ने ज़कात देना बंद कर दिया, कुछ ने माल की हैसियत के मौजूदगी में भी हद से दूरी इख्तियार कर ली, कुछ लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी कर दी, कुछ ने बीवी के हक को जाये करना शुरू कर दिया, किसी ने शैतान के जाल में फंस करके बहन को सताया, किसी ने भाई के हक पर डाका डाला, किसी ने पड़ोसी को सताया, किसी ने जमीन पर गड्ढे खोदे, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने गलत नजर से इंसान को देखा, किसी ने अपने कान के अंदर गलत चीजों को सुना, किसी ने अपने हाथ से गलत काम किए, किसी ने अपने कदम को बुराइयों की जानिब उठाया। ये किसका चाल है? ये शैतान ही का चाल है, ये शैतान बहका रहा है। अभी शैतान जो बहकाता है इससे हिफाजत के लिए एक ढाल चाहिए, वो ढाल कौन सी ढाल है? वो ढाल है औलिया अल्लाह का दामन, वो ढाल है औलिया अल्लाह की निस्बत, वो ढाल है औलिया अल्लाह की मोहब्बत, वो ढाल है औलिया अल्लाह की तालीमात, वो ढाल है औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्तगी। अगर इनके दामनों से लगे रहोगे तो शैतान बहकाना चाहेगा, तो औलिया अल्लाह आकर के उसको शैतान के चंगुल से बचाएंगे और मदीने वाले आका का रास्ता उसको जमीन ही से दिखाएंगे। तो शैतान के चंगुल से अगर बचना है तो हम सबको औलिया अल्लाह की तालीमात को भी नजरों के सामने रखनी चाहिए। औलिया अल्लाह की तालीमात क्या है कि अगर हम किसी वली से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार करते हैं तो प्यार और मोहब्बत का मसला यह है कि जो उनकी तालीमात है उस पर हम अमल करें। जैसे कि हम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुबहानी से मोहब्बत और प्यार करते हैं तो उनकी तालीमात क्या है, उनकी तालीमात पे गौर करें कि सरकार गौसे आजम की तालीम क्या है, हुजूर गौसे आजम की जिंदगी में कौन ऐसा पहलू है जो सबसे ज्यादा नुमाया नजर आया करता है। जब इसकी जानी तवज्जो दी जाती है तो पता यह चलता है कि हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला इतने बड़े अल्लाह के आबिद थे कि 12 साल तक जंगलों में रह करके आपने रियाजत की मंजिल को हासिल किया है। 40 साल तक हमारे और आपके गौसे आजम की इमारत का हाल यह था कि पूरी रात कभी सोए नहीं बल्कि ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा फरमाई है। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का हाल यह था, अय्याम ममनुआ के बाद साल के अक्सर हिस्सों में अक्सर महीनों में हुजूर गौसे आजम रोजा रखा करते थे। और यही पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला इतने मकबूल अनाम हो गए कि जब आप अपने बगदाद से चल करके जब आप नाना जान के रोजे मुकद्दस पे हाजिर होते हैं और सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम तू वस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, जैसे ही आपने ये कहा तो तुरबते पाक से पत्थर हटता है और तुरबते मुकद्दस से मदीने के सुल्तान का हाथ बाहर आता है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाना जान के हाथ में हाथ डाल करके सलाम का जवाब भी लेते हैं और अपने नाना जान से मुसाफा भी किया करते हैं।
जब कोई अल्लाह का बंदा इतना मकबूल हो जाता है तो मदीना तैबा में जब पहुंचता है तो सिर्फ रोजा ही नहीं देखता है बल्कि आमना के लाल का नूरानी चेहरा देखा करता है। ये पहुंचे थे शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद आजम इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फैजले बरेलवी। और जब पहुंचे हैं मदीना तैबा में आका की मोहब्बत में इतने फना हो चुके हैं कि रोजे पाक के पास बैठ करके आप अशआर लिखते हैं और ये कहते हैं वो और ये कहते हैं कोई क्या बात तेरी पूछे रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये मुकम्मल कलाम आला हजरत का है। आरजू है अर्ज करते जा रहे हैं या नबी अल्लाह मैं मुल्के हिंद में था तो ख्वाब में मैंने आपकी ज़ियारत की है आका अब आपके जाली के सामने हूँ आपके दयार में हूँ आपके रोजे के सामने हूँ आका मैंने असहाबे सुफा का चबूतरा देखा आपकी जाली देखी जन्नत की क्यारी देखी बाबे सलाम को देखा बाबे जिब्रील को देखा आका मैंने सब देख लिया है आपका रोजा नहीं देखा ए आका करम कर दो दीदार करा दो। आरजू पे आरजू है ख्वाहिश पे ख्वाहिश है इल्तजा पर इल्तजा है लेकिन बताते हैं मैंने अरीजा रख दिया हुजूर की बारगाह में हुजूर का दीदार ना हुआ मैंने अपने आका से कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मेरी ये पोजीशन है। फिर आखिर में वही शेर कहकर के आप खामोश होते हैं कोई क्या बात पूछे तेरी रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आरजू लगा करके बैठे हैं टिकटिकी लगा करके बैठे हैं कि मेरे आका आपके आका बेसहारों के दाता अपने मजारे मुकद्दस से निकलते हैं। इमाम अहमद रजा कहते हैं मैंने बेदारी की हालत में आमना के लाल को मजारे मुकद्दस से आते हुए देखा और जब नबी पाक का नूरानी चेहरा देखते हैं तो बर्जस्ता ये कहते हैं तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो वो आकाए दो जहां के सच्चे दीवाने हैं जिन्होंने अपने दिल को अल्लाह की याद में रसूल पाक की मोहब्बत में लगा के रखा। जबी तो इमाम अहले सुन्नत अक्सर बयानों में कहते थे और आपकी तहरीरात से भी वाज़ेह होता है इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे दिल के दो हिस्से किए जाएं तो दिल के एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दिल के दूसरे हिस्से पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। हजरात हम सब सच्चे के साथ रहे सच्चों के साथ सच्चों की सोहबत सच्चों की रिफाकत को इख्तियार करें उससे हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। आज ये होता है देहातों का माहौल मालूम नहीं कस्बों के बारे में कम मालूमात होती है लेकिन शहरों में यह होता है कि लोग दोस्ती ऐसे इंसान से करते हैं जो इंसान उसको गाड़ियों पे घुमाए कुछ ना कुछ चीज खिलाए पार्कों में ले जाए होटलों में बिठाए क्लबों में ले जाए ताश की पत्तियां खिलाए अय्याशियों के अड्डों पे ले जाए झीलों की सैर कराए ऐसे लोगों से दोस्ती इंसान करता है। लेकिन सूफिया और सुल्हा बयान फरमाते हैं वो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुमको गाड़ियों पर घुमाता हो पलकों पार्कों में ले जाता हो क्लबों में बिठाता हो बल्कि ये कहते हैं अगर तुम्हारा दिल खौफे खुदा से गाफिल हो रहा हो और कोई वक्त तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे अल्लाह के जिक्र का जज्बा बता दे तो समझ लो वो इंसान तुम्हारा सच्चा और पक्का दोस्त है। पता ये चला कि दिल अगर अल्लाह के याद से गाफिल हो रहा हो और कोई इंसान आपको अल्लाह की याद दिला दे नमाज की दावत कोई आपको दे दे कुरान की तालीम कोई आपको दे दे दुरूद पाक पढ़ने का वजीफा कोई आपको बता दे तो समझ लो इंसान आपका सच्चा दोस्त है आपका सच्चा हमदर्द है। गाड़ियों पर घुमाने वाला घुमा करके इधर उधर बिठा करके छोड़ देगा लेकिन जिसने जो तालीम दी है
उस तालीम का देने वाला वो आपको यहां भी काम आता रहेगा, वो आपको वहां भी काम आता रहेगा। जिनकी नूरानी मजलिस सजी है, जिन्हें हम पीरे पीरा, मीरे मीरा शाह जीलान, शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी कहते हैं, उनकी भी नूरानी मजलिसें सजती थी। और हुजूर गौसे आजम जब बगदाद शरीफ के अंदर मस्जिद में क्याम फरमा होकर के दरसे तालीम में मुलविस रहा करते थे, तो एक दिन हमारे और आपके हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और ख्वाब में आने के बाद में कहते हैं, ए बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? तो आप कहते हैं, नाना जान यहां के बड़े बड़े फसीह, बड़े बड़े बलीग, बड़े बड़े खतीब मौजूद हैं, मैं इनके सामने कैसे तकरीर करूं? तो हमारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर मुंह को खोलो। हुजूर गौसे आजम ने जब मुंह को खोला तो रसूल गिरामी वकार, हम सबके सरकार, आमना के लाल, मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौसे आजम के मुंह के अंदर अपने लुआब शरीफ को 7 मरतबा डाला। लुआब के माने थूक शरीफ के होते हैं, ये लुआब मुस्तफा है, यही लुआब मेरे आका ने जब हजरत अली के दुखती हुई आंख में लगाया था तो आंख का दर्द दूर हो गया था। इसी लुआब को हमारे आका ने हजरत जाबिर के बच्चे जो इंतकाल कर चुके थे उनके सीने पर रख करके मस कर दिया था तो मरे हुए बच्चे जिंदा हो गए थे। इसी लुआब को हमारे और आपके आका ने हजरत कतादा के कटे हुए बाजू पर लगाया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया था। और इसी लुआब को हमारे और आपके हुजूर ने खारे दार कुएं पानी के अंदर डाला तो खारा पानी हमेशा हमेश के लिए शीरी हो गया, मीठा हो गया, वही लुआब मुस्तफा है। सरकार गौसे आजम को हमारे हुजूर ने 7 मरतबा खाम में उनके मुंह में डाला। फिर उसके चंद लम्हे के बाद में सैयदुल वली हजरत सैयदना अली मुर्तजा हैदर कर्रार खैबर शिकन फातह जमन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, बेटा वास क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, दादा जान यही बात नाना जान ने भी मुझसे कहा, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े फसीह, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े आलिम हैं, मैं इनके सामने कैसे तकरीर करूं? तो हजरत अली मुर्तजा कहते हैं, बेटा मुंह को खोलो। तो आपने जब मुंह को खोला तो हजरत अली ने हुजूर गौसे आजम के मुंह के अंदर 6 मरतबा अपने लुआब को डाल दिया। अब हजरत अली जब 6 मरतबा अपने लुआब को डालते हैं तो गौसे आजम खाम में कहते हैं, दादा जान नाना जान ने 7 मरतबा डाला है, आप 6 ही मरतबा क्यों डाल रखे हैं? तो प्यारे अली कहते हैं, ताकि अदद में नबी की बराबरी ना होने पाए। ये ताजीम, ये तकरीब है, लेकिन एक जमात ऐसी पैदा हो चुकी है जो ये कहती है कि हुजूर के ताल्लुक से वो हमारी तरह हैं। और दलील उनकी क्या है कि जैसे हम खाते हैं वैसे वो खाते थे, जैसे हम पीते हैं ऐसे ही वो भी पीते थे, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली ऐसे ही उनके हाथ में 5 उंगली, जैसे हमारे पास 2 हाथ ऐसे ही उनके पास भी 2 हाथ, जैसे हमारे पास 2 पैर ऐसे ही उनके पास भी 2 पैर, जैसे ही हमारे पास 2 आंख ऐसे ही उनके पास भी 2 आंख। इन सब चीजों को देख करके वो ये कहते हैं वो हमारे ही तरह हैं, हमारे ही भाई हैं। फर्क ये है कि हम छोटे भाई हैं और वो हमारे बड़े भाई हैं, कि वो हमसे पहले दुनिया में आए हैं। अरे नादान तू आता है तो तेरे आने का हाल कुछ और होता है, आमना के लाल आते हैं तो जमीन भी महकती है, आसमान भी महकता है, चरिंद भी झूमते हैं, जमीन की सारी चीजें झुमा करती है। ऐ इंसान तू आए तो घूर हो, और मेरे मुस्तफा आए तो सारे जहान में नूर ही नूर हो। ऐ इंसान तेरे जिस्म से पसीना निकले तो बदबू हो, और आमना के लाल के जिस्म अतहर से पसीना निकले तो खुशबू हो। सहाबा कहते हैं, उसी खुशबू में हम अपने हुजूर को तलाश लिया करते थे। जब कहीं हुजूर तशरीफ ले जाते तो हमको पूछने की नौबत नहीं आती कि हुजूर कहाँ है,
बल्कि हम खुशबू को सूंघते जाते जहां खुशबू का खात्मा होता, खुशबू का एंड होता, हमें पता चल जाता कि मेरे आका यही तशरीफ फरमा है। जहां महक ही महक होती, वहीं आमना के लाल हुआ करते थे। ए इंसान, तू अगर थूक दे तो बीमारी पैदा हो, आमना के लाल अगर किसी को थूक दे तो शफा ही शिफा पैदा हो। तू खारे पानी में थूके तो खारा पानी और खराब हो जाए, आमना के लाल अपने लुआब को खारे पानी में डाल दे तो हमेशा हमेश के लिए शीरी हो जाए। ए इंसान, तू चले तो चल ना पाए, पैर की मिसाल देता है, इसी पैर मुकद्दस से आमना के लाल जमीन पर भी चलते हैं और आसमान पर भी चलते हैं, फर्श पे भी चलते हैं और अर्श पे भी चलते हैं, मका में भी चलते हैं, मेराज की रात में ला मका में भी चलते हैं। ए इंसान, तू अपने हाथ की उंगलियों के इशारे से किसी को बुलाए तो कोई आए कोई ना आए, लेकिन आमना का लाल उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद दो हिस्से में बट जाए, डूबा हुआ सूरज पलट करके आ जाए। उनकी शान तो बड़ी बेमिसाल है, उनकी शान तो बड़ी आला और बाला है, ना तो उनकी तरह कोई आया है, ना तो उनकी तरह कोई छाया है, ना तो उनके आने का कोई जवाब है और ना ही कायनात में उनके छाने का कोई जवाब है। जबी तो मेरे आला हजरत सुन्नियत की शान कहते हैं, मोहब्बत की पहचान कहते हैं, साहिबे कंजे ईमान कहते हैं, आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, या नबी अल्लाह, जो कुछ है सब आप ही की वजह से है, आप ही के लिए है, और बरजस्ता कहते जा रहे हैं, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, और आगे कहते हैं बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो वो हुजूर सरापा नूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, और हिंद का राजा प्यारा ख्वाजा। ये सब नारे याद रखो दीवानों, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ के राजा हम सबके ख्वाजा हैं। और माशाल्लाह ख्वाजा के यहाँ देखिए कैसा बाड़ा बढ़ता है, अपने छोटे बड़े हर कोई जाता है, मांग करके आता है। बैरकम में हुजूर पीरे पीरा शाही जिला की बात कर रहा था, ख्वाब में प्यारे अली आए और कहा अदद में नबी की बराबरी ना होने पाए। सुबह उठे हुजूर गौसे आजम ने पहली तकरीर फजर में कर दी, मजमे में जितने लोग थे नमाजी लोग सब बड़े खुश हुए, और दूसरी तकरीर की ख्वाहिश की तो सरकार गौसे आजम की दूसरी तकरीर का ऐलान जब हुआ तो मस्जिद में कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तीसरी तकरीर के लिए बहुत बड़े ग्राउंड का इंतखाब किया गया, यहां तक कि सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए 70,000, 80,000, 90,000, कभी 1,00,000 से ज्यादा लोगों की तादाद हुआ करती थी, इतनी इतनी भीड़ आया करती थी मैदान में। आज ये छोटा सा मजमा है, माइक के अंदर इको ज्यादा हो जाए तो हम आप कहते हैं भाई मजा नहीं आता, माइक सादा करने में सेटिंग में गड़बड़ी हो जाए तो हमें और बोलने में दिक्कत होती है कि आज की तकरीर हो गई, अब कल हम तकरीर बोलेंगे, माइक अगर गड़बड़ रहा तो कल की तकरीर पर उसका असर होगा। इस वजह से बड़ा ख्याल रखा जाता है आवाज के ताल्लुक से, आवाज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें सारी सहूलतें आज हम देखते हैं, मगर हमारे गौसे आजम का दौर जब था तो उस वक्त माइक का ऐजाद था ही नहीं, माइक बनाया ही नहीं गया था, मगर अल्लाह की अता से अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम सुबहानी को ये ताकत दी थी कि 80,000 का मजमा होता था, बगैर माइक क्या गुफ्तगू फरमाते थे, सबके कानों तक आपकी आवाज बराबर पहुंचा करती थी। हुजूर गौसे आजम की एक करामत थी, एक मर्तबा एक शख्स, इतने लोग बैठे हैं और जनाब सलीम भाई बैठे थे चले गए, अब वो है नहीं ये मुझे याद है क्योंकि उनका चेहरा मैं जानता हूं, लेकिन एक डेढ़ हजार लोग रहे और उसमें से कोई आदमी अगर चला जाए तो मैं नाम नहीं जानता तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कौन है कौन नहीं है। मगर हुजूर गौसे आजम की खासियत थी, सरकार गौसे आजम की शान देखो,
जिस गौसे आजम की नियाजें आप सालह साल करते हैं, ग्यारहवीं शरीफ के दिन अपने घरों में गौसे आजम की नियाजें हर दीवाने करते हैं अपने अपने हैसियत के मुताबिक। उस गौसे आजम की शान देखो, मजमा कसीर तादाद में होता था, अगर उसमें से कोई गायब होता तो सरकार गौसे आजम दूसरी नशिस्त पहले उससे पूछ लेते थे तकरीर में क्यों नहीं आए। ये हुजूर गौसे आजम की खासियत रहती थी। एक मर्तबा आपने एक शख्स को देखा मुरीद को कि मजमे में नहीं है, दूसरी मर्तबा आपने पूछा तो कहा हुजूर मैं काम से बहुत दूर चला गया था। कहा मजलिस में आया करो, वाज़ो नसीहत को सुना करो। कहा हुजूर जरूरियात की चीजें पूरी करनी पड़ती है, सरकार में बहुत दूर चला गया था। तो सरकार गौसे आजम का रहमत वाला दामन बड़ा वसी हुआ और आप कहते हैं क्या दूर रह करके भी मेरी तकरीर सुनना चाहता है? उसने कहा हाँ हाँ हुजूर, मैं दूर रह करके भी आपकी बात को सुनना चाहता हूं। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं जहां भी रहना वहां बैठ करके तकरीर के मौके पर या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख लिल्लाह अलमदद कह करके एक दायरा खींच लेना और उस दायरे के अंदर बैठ जाना, दुनिया के किसी भी कोने में तू रहेगा, बैठे बैठे मेरी तकरीर को सुन लिया करेगा। आज फोन के जरिए से हम बात करते हैं, लेकिन गौसे आजम के दौर में ना मोबाइल था, ना फोन था, ना वायरस था, ना कोई ऐसी सहूलियत थी, मगर ये कौन सी ताकत थी? ये ताकत अल्लाह की ताकत थी, जिसको अल्लाह ने अपने बंदे शेख अब्दुल कादिर को दे रखी थी। जो बोलते थे अल्लाह उसको पूरी फरमा दिया करता था। जब ही तो दीवाने ये कहते हैं या गौसे आजम तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही।